व्हाटएवर हैपेंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई एंड दोस्तों दोस्त जब भी ऐसी सिचुएशन में रहते हैं और एक फ्रेंड ही समझ सकता है वो पेन, और आप आए हो बातें करने के लिए। सो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ हुआ अब तक, अगर आप कुछ हमें डिटेल में बता सके कि व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ रॉन्ग गोइंग ऑन, वो भी जानना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि एक दोस्त समझ सकता है, एक भाई समझ सकता है, तो शेजान और मेरी दोस्ती 2021 से है, जब हम लोगों ने सीरियल स्टार्ट किया था अपना आजाद चैनल के लिए। तो शेजान वहाँ पे पवित्र सीरियल करता था, उसका हीरो था, मैं लवबंती का हीरो था, और 8 o'clock प्राइम टाइम पे मेरा आता था, उसके जस्ट जैसे ही मेरा ख़त्म होता था शेजान का आता था, और हम तब से दोस्त बने और हम एक साथ वर्कआउट करते थे जिम में, और हम जिम बडीज बने। और यार वो बंदा कमाल का है, और उसका नेचर, उसकी जो फितरत है और जो उसका स्वभाव है वो बहुत ही कमाल का है। तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, इस बात का बहुत दुख है कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जितना मैं उसको जानता हूँ, जितने करीब से, वो बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ड्रग्स लेगा, या वो बंदा किसी को थप्पड़ मार देगा, या वो बंदा किसी को ऐसे चीट करेगा, या वो बंदा किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव करेगा, या किसी को इतना प्रवोक कर देगा कि कोई इंसान सुसाइड कर ले। उसका नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, हंसमुख है, जब भी आप उससे मिलेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है आपका, और जो भी है वो बंदा दिल से है, और उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी झोल वाली बात है या कोई भी ऐसी बात है जिस पे आपको एक बार को संकोच हो। कभी आपकी जिक्र हुई उनसे कि मैं तुनिशा के साथ रिलेशन में हूँ, हम लोग डेट कर रहे हैं, शादी के बारे में कभी आपके बात हुई थी कि he was supposed to get married, anything that he have discussed with you over the relation? नहीं नहीं, ऐसी बातें हमारी नहीं हुई कभी, बट मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो, बट ऑब्वियस है कि शेजान जो बंदा है वो बहुत केयरिंग बंदा है। अगर वो आपका दोस्त है, आपका मित्र है, और या आप उसके करीबी हो, तो आपकी बहुत केयर करेगा। तो अगर वो तुनिशा के साथ था तो डेफिनेटली वो उसकी बहुत केयर करता होगा, और वो कभी उसको चोट नहीं पहुँचा सकता, कभी उसको वो दुख नहीं दे सकता। ऐसा वो शेजान का नेचर है, ऐसा वो बंदा है एक्चुअली में। उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगे हैं, पर उन आरोपों से मैं पहले जो 23 और 24 तारीख की शाम है, 24 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटी, उसके बाद अब तक, मतलब आज 4 तारीख है, पूरे 10 दिन में काफ़ी कुछ बातें हुई। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको कब बात, सबसे पहले आपको बात कब पता चली और कैसे पता चली अबाउट शेजान एंड तुनिशा? ओके, मुझे 24 तारीख को जैसी ये घटना घटित हुई उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि सेम प्रोडक्शन हाउस का एक ऑडिशन चल रहा था, जिस ऑडिशन पे मैं था, जिसका अली बाबा आता है पेनिनसुला, और मैं उसी ऑफिस में, मेरा लुक टेस्ट चल रहा था, और मैं वहाँ से जैसे ही नीचे उतरा हूँ, पार्किंग लॉट में पहुँचा हूँ, मुझे उस वक्त ये न्यूज़ मिली है, और मैं उसी वक्त वहाँ से वसई के लिए निकला शेजान के पास जाने के लिए। फिर अब क्या हुआ कि शेजान वहाँ था, आपकी बात? जब मैं गया वहाँ, शेजान बहुत ही बुरी हालत में था, और मैंने उस व्यक्ति को, उस बंदे को उस कंडीशन में कभी नहीं देखा, और मैं सोच भी नहीं सकता कि उसकी ऐसी हालत होगी कभी। yes. क्योंकि वो बहुत ही बिखर चुका था, टूटा हुआ था इंसान, आँखें उसकी सूज चुकी थी रो रो के, उसकी आवाज़ जा चुकी थी, वो शायद हॉस्पिटल में इतना चिल्लाया है, इतना रोया है, और दिल फटके रोया है एकदम, डॉक्टर से बार बार वो बोल यही बोल रहा था, प्लीज़ जो भी हो, जैसे भी हो, आप तुनिशा को बचा लो। और वही शेजान ही था जिस, जो साथ में उसके एक दो लोग और थे, जो सेट से तुनिशा को हॉस्पिटल तक लेके गए उस कंडीशन में। वो बहुत बुरी हालत में था, और वो सेम उसी कॉस्ट्यूम में था जिसमें वो अली बाबा का सीरियल शूट करता है। हॉस्पिटल की CCTV में हमने देखा कि
तीन चार व्यक्ति थे, तुनिशा को उठा के हॉस्पिटल लेके गए। आप सबसे पहले हॉस्पिटल गए थे या फिर सेट पे गए थे, और वो जो सारे व्यक्ति थे वो कौन कौन थे अगर आपको पता हो? वो तीन लोग थे और वो प्रोडक्शन के ही लोग थे, और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हूँ तो हॉस्पिटल से सब कोई निकल रहे थे और शिजान को पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था, तो मैं उसके पीछे पीछे डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पहुँचा, और जहाँ पे उनके एक दो को स्टार थे और उनकी शिजान की माता जी थी। उसके बाद मैं शिजान के साथ वहीं पुलिस स्टेशन पे रहा काफ़ी देर तक। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो बस ऐसे ही। तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और शेजान अपने सेम उसी कॉस्ट्यूम में था जिसमें वो अपना अली बाबा सीरियल शूट करता है, और वो देख के मेरे को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वो बंदा नहीं है जिससे मैं कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले रात को मैं उससे मिला हूँ। आपकी किस तरह की बातचीत हुई? क्या कुछ उन्होंने बताया आपको कि क्या किस तरह से कार्रवाई हो रही है, और किस तरह की आपने कुछ प्रश्न पूछे रहेंगे उनसे मैंने क्या कुछ? देखिए उस वक्त तो क्या कार्रवाई हो रही क्या नहीं हो रही है उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि जो हो रहा था वो एक हमारे लिए शॉकिंग था, जो हुआ वो भी शॉकिंग था, और जिस तरीके से मतलब उसका माइंडसेट था और मेंटल हेल्थ थी वो शिजान की उस वक्त में सही नहीं थी, तो ज़्यादा कुछ तो बात नहीं हुई। मगर उसने इतना ज़रूर कहा कि बाबा आज तो मतलब बहुत अच्छा माहौल था सेट पे और सब हंस खेल रहे थे, और साथ में हमारी बातचीत हुई है मेरी और तुनिशा की, और उसने काफ़ी रील्स वीडियोस टाइप का फ़ोन में बनाया है जो कि वो स्टोरीज पे पुट करने वाली थी इंस्टाग्राम पे, और बस इतनी सी बात है। उसने बोला कोई झगड़ा नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। बट अगर आप अगर तुनिशा के सोशल मीडिया की मैं बात करूं, 6 या 7 घंटे पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जहां वो मेकअप से कुछ कर रहे थे। काफी लोग का जिक्र था कि वो मेकअप करते हुए थोड़ी सी दुखी थी, और आप बोल रहे हो कि सेट पे थोड़ा अच्छा था माहौल। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ मिक्स रिएक्शन थे कि किस तरह से थे? ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफर करता है, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से आप उसको मतलब बता रहे हैं किसी को भी। मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी में कहीं से भी वो दुखी लग रही है कुछ होता, हो सकता है थोड़ी सी टायर्डनेस होती है इंसान को, रात को लेट पैकअप हुआ हो, सुबह कॉल टाइम जल्दी हो, तो एक फेस पे थोड़ी सी टायर्डनेस होती है जिसकी वजह से आप थोड़े उदास दिखते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि वो दुखी हो और ऐसा हो, अगर दुखी होता है इंसान तो शायद वो ब्रेक भी मांग सकता है कि मेरा काम करने का आज मूड नहीं है, क्या मुझे ब्रेक मिल सकता है, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है, और अगर वो दुखी होती तो शायद वो सुबह भी आने में मतलब एक्सक्यूज़ दे सकती थी, मगर वही एवरीडे स्टोरी थी, रोज़ वो सेट पे आते थे, वो लोग काम करते थे। इसके अलावा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब तक, एक शिजान की माता जी की तरफ से हुई, एक तुनिशा की माता जी की तरफ से। पहले तुनिशा की माता जी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफी कुछ उन्होंने बोला कि शिजान थप्पड़ मारा था, लव जिहाद के तरफ, टैटू के एंगल की बात हुई, डॉग के एंगल की बात हुई। अगर आप कुछ बताना चाहो, मैं लव जिहाद से शुरुआत करूंगा कि आपको कभी लगता था कि वो फोर्स कर रहे हैं शादी को लेके, कन्वर्ट होने के, जिस तरह से हम बातें चल रही है सोशल मीडिया हो या फिर एंटायर मीडिया पोर्टल की मैं बात करूं, आपको क्या लगता है कि इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए लव जिहाद का जो एंगल है ये तो सरासर गलत एंगल है, ये नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो वो आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट अलग अलग किरदार अपनी ज़िंदगी में हमेशा निभाता रहता है, और अगर वो इतना ही जिहादी होता और इतना ही कट्टर होता तो शायद वो पवित्रा सीरियल नहीं कर रहा होता जिसमें वो हिंदू का रोल निभा रहा है, और गणपति पूजा नहीं कर रहा होता, और अगर कर भी रहा होता तो चोरी चुपचाप आदमी करता है तो कभी उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाता है क्योंकि लोग उस पे 10 सवाल खड़े करते हैं, और गणपति पे गणपति विश करना, और मुझे उसने खुद से गणपति विश किया था जब हम लोग मिले थे, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जिहादी कहाँ से आपको वो लगता है। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहता हूँ, जो भी लोग उसको जानते हैं जो भी लोग उसके करीबी हैं,
आप उनसे मिलिएगा और आप उनसे भी पूछिएगा कि शेजान का बर्ताव कैसा था आपके साथ, तो सब आपको एक ही जवाब देंगे कि यार वो कमाल का लड़का है, वो बहुत हम्बल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है आपके लिए, वो आपको जब भी मिलेगा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मिलेगा, बहुत ही वार्म वेलकम करता है वो बंदा सबको, और सबसे बहुत ही तहजीब से बात करता है, बहुत तमीज़दार इंसान है। कभी उसने मस्ती मजाक में भी ऐसा नहीं है कि फ्लो फ्लो में आदमी अपने बहाव में बह जाए और गाली गलौज करके बात करे और या हाथ वाथ चला के बात करे, मस्तीबाजी में इंसान दोस्तों में करता है, मगर वो इंसान ऐसा भी नहीं करता है। वो बहुत ही अच्छे विचारों वाला इंसान है, तो ऐसे इल्ज़ाम तो मेरे को नहीं लगता कि उस पर लगाने चाहिए कभी, बेबुनियाद है। इसके अलावा उनकी जो मॉम है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें काफ़ी सारी बातें की, एक तो वॉइस कॉल बताया, फिर उन्होंने बताया कि जो टैटू का एंगल है वो अनफॉर्चुनेट है, जो गलत है। उनकी माता जी से आपकी जब बात हो रही थी, कुछ उन्होंने बताया आपको कि क्या कुछ गलत हो रहा है, कि आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की इस 10 दिन के अंदर, इस 10 दिन की मैं बात करूँ? बिल्कुल, कॉन्टेक्ट हमारा बना रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है बिकॉज मैं किसी के भी उस स्टेट ऑफ माइंड में किसी को भी ज़्यादा पुश करना है, ज़्यादा सवालात करना वो अच्छा नहीं है, हर किसी की एक स्पेस होती है और वो भी उसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और बहुत मुश्किल होता है जब आपका बच्चा ऐसे सिचुएशन में हो और आप फेस से जान कर रहा है कस्टडी के अंदर। आप बाहर से बस कोशिशें कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो कि किसी तरह हमारा भाई बाहर आ जाए, बच्चा बाहर आ जाए, तो मगर हम रेगुलर टच में हैं, मैं देखता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, ये चीज़ें करता रहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि शेजान की अगर गलती नहीं है जैसा हम सब जानते हैं, तो उसको 15 दिन के अराउंड कस्टडी में रखना, और जिसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हाँ उसी ने किया है और ना ही वो गिल्टी प्रूव हुआ है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? बस मुझे इस बात का दुख है कि उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें जब तक लोगों को पूरी बात नहीं पता है, जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है, छानबीन पूरी नहीं हुई है, सच सामने नहीं आया, तब तक अपनी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी की भी छवि ख़राब कर सकता है, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, करियर उसका स्टेक पे है और वो कस्टडी में है, उसके नाम पे ऐसे ऐसे एक्यूजेशन लगा दिए गए, इल्ज़ाम लगा दिए गए, तो बाकी बाहर जो लोग बैठे हैं देख रहे हैं उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए और ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि ऐसा करना कितना गलत है। ये मेंटल, ये ऐसा करना कितना गलत है और ये एक्चुअली में एक मेंटल टॉर्चर है। अगर ये सारी चीज़ें जो उनके ऊपर लगी क्लीन चिट होती है, तो क्या लगता है आप एज अ फ्रेंड क्या क्या सजेस्ट करना चाहोगे? लास्ट सवाल है मेरा, क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपने दोस्त को कि किस तरह से आगे बढ़े, या फिर कुछ ऐसी अगर उनके फैमिली पे कुछ अगर रिवेंज, अगर हम एक रिवेंज बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, या फिर कुछ अगर सजेस्ट करना चाहो मानहानि या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप एज अ फ्रेंड क्या सजेस्ट करोगे? देखिए अब आप कुछ भी कर लो और ये सब बस बातें रह जाएंगी और मगर इससे तुनिशा वापस नहीं आएंगी। आप बदले की भावना, और ऐसा बंदा है नहीं शेजान बदले की भावना रखने वाला, ना ही उसके परिवार के कोई है, ना ही फलक है, ना ही शफक है, ना ही उसकी अम्मी है, कोई भी नहीं है जो ऐसी भावना रखती है, और बहुत ही अच्छी अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, और वो मतलब कभी भी ऐसी चीज़ें सोचेंगे भी नहीं कि हम कुछ बदला लें या कुछ करें। बस मैं शेजान से इतना कहना चाहूँगा और कि यार लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, हम उसको फिर से गाड़ी अपनी पटरी पे ला सकते हैं, हम खुद फिर से अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, और वी शुड ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर। जो हो गया सो हो गया, आगे ज़िंदगी बची है, करियर बचा है, और आप अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छे इंसान हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उस मुकाम पर वापस पहुँचना जहाँ पर वो था और है, और ज़रूर ऊपर वाला करे।
उसको इतनी हिम्मत दे, इतना आशीर्वाद दे कि वो वापस से बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक करे और हमारे साथ फिर से वैसे ही जश्न मनाए। आप वो अभी 4-5 दिन के बीच बातचीत हुई है? शेजान से तो मिलने नहीं दे रहे ना, और बात भी नहीं करने दे सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू।